विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा। तो लंकेश कृपया बताइए, असुरों को अश्व उच्च श्रवा प्राप्त होने के पश्चात अब क्या समुद्र मंथन से निकलने वाली निधि अमृत था? उसके पश्चात तो कुछ और ही उत्सर्जित हुआ। फिर सुंदर अप्सराएं उत्सर्जित हुईं और देवताओं को ही उनका भी साथ प्राप्त हुआ। असुर महाराज बलि शांत अवश्य थे, किंतु उनके असुर अब धीरज खो रहे थे, निराशा की ओर बढ़ रहे थे और वहीं स्थित रहने पर विवश थे। अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले असुरों को राजा बलि ने रोककर उन्हें शांत और स्थिर रहने का आदेश दिया, जिससे वो अपने मुख्य ध्येय पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकें, अमृत प्राप्त कर सकें। इसीलिए अप्सराएं भी देवताओं को ही प्राप्त हुईं। अप्सराओं के पश्चात अब तो इस बार अवश्य अमृत ही उत्सर्जित हुआ होगा, है ना लंकेश? अभी नहीं गौरी पुत्र, अपितु इस बार तो वो निधि चंद्रमा थे। चंद्रदेव तो औषधि विज्ञान के साथ अन्य कलाओं के भी प्रतीक हैं, जो माता लक्ष्मी अर्थात श्री के विद्या लक्ष्मी रूप ही है। इसलिए श्रीहीन होने पर चंद्रदेव भी लुप्त होने पर विवश हो गए होंगे ना लंकेश? आपने पुनः सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप चंद्रदेव का उत्सर्जित होना तो देवता और असुर दोनों समूहों के साथ स्वयं सागर मंथन के लिए संकट का कारण बन गया था। सागर में आए इस तूफान का क्या कारण है? इस तूफान की स्थिति में हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे? अब ये नवीन संकट क्या है? चंद्र, ये तो चंद्रदेव हैं, जिनका प्राकट्य सागर से हुआ है। इन्हीं के प्रभाव के कारण क्षीर सागर में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हुई है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यदि वो वही स्थित रहे तो हम इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि समुद्र में इतनी अशांति रही तो संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रदेव, कृपा कर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कीजिए, अपने प्रभाव को शांत कीजिए। चंद्रदेव शांत हो जाइए, चंद्रदेव, अन्यथा सागर मंथन यहीं रुक जाएगा। हमारी गुहार सुनिए चंद्रदेव, इस स्थिति को विकट होने से बचा लीजिए। संकट की इस अवस्था में सागर मंथन सर्वथा असंभव हो गया है। नहीं देवराज,
जब तक समुद्र से अमृत उत्सर्जित नहीं होता तब तक ये मंथन हम कदापि नहीं रोकेंगे। और यदि तुम में से किसी भी देवता ने रुकने का प्रयास किया तो प्रलय के पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ हाँ ऐसा ही होगा, जो भी देवता रुकेगा उसका अंत होगा। बली की जय, बली की जय, बली की जय। ये असुर तो अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अमृत इनके हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु अमृत की सुरक्षा और असुरक्षा के विचार का औचित्य भी तो तभी है जब समुद्र मंथन संभव होगा। इसके लिए हमें चंद्रदेव तक अपनी गुहार पहुंचानी होगी। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या इसके परिणाम स्वरूप सुरों और असुरों के मध्य संग्राम ही छिड़ गया? स्थिति तो कुछ ऐसे ही उत्पन्न हुई थी गौरी पुत्र, किंतु फिर समय रहते ही कुछ ऐसा घटित हुआ जो सर्वथा अद्भुत था। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, रत्न साधु शरासन। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, रत्न साधु शरासन। रजताश्रीनिकेतनम् सिरनीकृत भगिरमच्युतायन सायकां, क्षिप्रदक् त्रिदिवालयैर अभिवंदितं चंद्रशेखरमाश्रये। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। अर्थात प्रभु महादेव ने विषाक्त हलाहल से सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ महादेव कहलाए। उसी प्रकार प्रभु महादेव चंद्र की शीतल ऊर्जा की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए और चंद्रशेखर नाम भी स्वीकार किया। और उनके ऐसा करने पर ही पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हो सकी। और इस बार मंथन के परिणाम स्वरूप जिनका प्रकाट्य हुआ, देवताओं के अतिरिक्त किसी अन्य को भी उनकी प्रतीक्षा थी। हर हर महादेव। हमारा वैभव लौट आया, पुनः सबल हो गए हम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। जय श्री हरि नारायण। जय माता लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। जय देवी सर्वभूतेषु विष्णु। प्रणाम प्रभु। नमस्तस्ये महाराज, ये तो हमारे लिए सर्वथा उचित रहेगी।
हम इस सुंदर स्त्री को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं मेरे असुरों, देवी लक्ष्मी के सौंदर्य से भ्रमित ना हो, अपने लक्ष्य पर स्थित रहो। मात्र और मात्र हमें अमृत चाहिए। कितने आनंद का क्षण है ये, क्योंकि अब प्रभु श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। इनका पुनर्विनर्त इनके विवाह से ही पूर्ण हो। इस प्रकार श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन सफल हुआ और सागर मंथन के संपन्न होते ही उनका विवाह भी हुआ। अब आप किन विचारों में डूब गए हैं गौरी पुत्र? मैं तो बस श्री हरि नारायण के विवाह की कल्पना कर रहा था। अच्छा आप बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? अब सागर मंथन से क्या उत्सर्जित हुआ? देवी लक्ष्मी के आगमन के उपरांत श्रीहीनता से मुक्त होकर समस्त देवता एक नवीन उत्साह से भर गए थे और पूर्ण शक्ति से मंथन में जुट गए। असुरों ने भी अपने उत्साह और शक्ति से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया और फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा असुरों और देवताओं को बड़ी आतुरता से थी। तो मैं किसी भी प्रकार पी कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस अब अमृत मुझे प्राप्त होने ही वाला है। अरे अमृत कलश कहाँ चला गया? आश्चर्य, ये अमृत कलश अचानक से कहाँ अदृश्य हो गया? देवताओं बताओ हमें अमृत कलश कहाँ गया? असुरो तुमने क्या किया अमृत कलश के साथ? ये तो एक अत्यंत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी देवताओं के लिए लंकेश, कि अमृत कलश कहाँ लुप्त हो गया। किसी और को ज्ञात हो या ना हो, किंतु आपको तो ज्ञात था ना गौरी पुत्र। कदाचित आपको उनकी स्थिति पर आनंद आ रहा होगा गौरी नंदन, परंतु देवता और असुर अब दोनों ही दबाव में थे और फिर
देवता एवं असुरों के मध्य एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमसे छल मत करो देवताओं, हमें बताओ तुमने कहां छिपा रखा है अमृत कलश, अन्यथा तुम में से कोई भी अमृत पान करने हेतु शेष नहीं बचेगा। स्मरण रहे असुरो, हम देवता श्रीहीन नहीं रहे, इसलिए हमें कम मापने की भूल मत करना। बताओ कहाँ है अमृत कलश, उत्तर दो, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं, मेरे और मेरे असुरों के धैर्य की परीक्षा मत लो, मुझे बताओ कहाँ है कलश, कहाँ है अमृत कलश? तुम हमें बताओ असुरों, कहाँ है अमृत? हर हर महादेव! असुर राज बलि की जय! ना वो देवताओं के पास है, ना असुरों के पास। सुखिनः सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम ध्यौ। वो तो किसी और की ही इच्छा से अदृश्य हुआ है। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। न असुरों ने और न ही देवताओं ने, दोनों ने महागणाधिपति जी की पूजा नहीं की थी। ब्रह्म शांति सर्व शांति। तो आप दोनों को बिना विघ्न के अमृत कलश कैसे प्राप्त हो सकता है? शांति रे धी। ओम। इस विघ्न से मुक्त होना चाहते हैं तो विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की पूजा कीजिए। तो वहां उस उदर के भीतर है अमृत कलश। अब हम असुरों को इस अमृत कलश को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अजानताय नमः।
हे प्रभु महागणाधिपति जी, इस समुद्र मंथन के विशाल प्रक्रिया के पूर्व हम देवताओं से आपकी आरती ना करने का महादोष हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए प्रभु। कल्याण हो। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। यसुर तो धन्वंतरी जी के निकट जा पहुंचे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इन असुरों का इतना तो साहस। देवगण, वो स्थान जहां आपने अर्थात प्रभु गणाधिपति जी ने देवताओं को आशीष दिया था, वो स्थान अब अमृत घटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर ऋषि मार्कंडेय ने प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या कर जीवन दान प्रदान किया था, किंतु अब उसी घाट पे असुरों ने अपनी कपटी योजना के सहारे देवताओं से अमृत चुराने का षड्यंत्र रचा। मैं अचंभित हूँ कि इतनी भक्ति के साथ मेरी पूजा करने के पश्चात भी अंततः असुरों ने पुनः छल एवं प्रपंच का मार्ग ही चुना। हाँ गौरी पुत्र, एक कुटिल कपटी असुर सर्व भानु के कारण अमृत कलश असुरों को प्राप्त तो हो गया था, किंतु उन्हें आपका अर्थात प्रभु गणाधिपति का आशीष कहाँ प्राप्त था। देवताओं का अनुसरण करते हुए असुरों ने देवताओं की ही भांति अग्नि की ज्योति को हाथ में रखकर अग्नि की ज्योति के स्थान पर प्रचंड अग्नि को ही हथेली पर रखकर पूजा की थी, किंतु उनकी भक्ति में निष्ठा नहीं थी और बिना भक्ति भाव के किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्ण श्रद्धा से एक बार भी जपा गया प्रभु का नाम ही सर्वथा पर्याप्त है लंकेश। किंतु तब वो असुर मेरे समान बुद्धिमान नहीं थे, उनकी भक्ति में हीनता थी, इसलिए उनका विघ्न टला नहीं था, अपितु उनके समक्ष एक और बड़ा विघ्न उत्पन्न होने वाला था। असुर सर्वभानु अमृत कलश के साथ पाताल की अतल गहराई में तो पहुंच गया था, किंतु शीघ्र ही अन्य असुर भी वहीं पहुंच गए और अमृत पान करने की मांग करने लगे। और फिर सर्वप्रथम कौन अमृत पान करेगा, वो सभी तो इसी होड़ में उलझ कर रह गए थे। गौरी पुत्र, असुर उस अमृत को ना तो देवताओं के साथ बांटने के इच्छुक थे और ना ही पाताल में एक दूसरे के साथ। वो तो ये भूल ही गए थे कि लालच की अति सर्वनाश का आमंत्रण है। हाँ गौरी पुत्र, और उस विनाश का आरंभ हुआ श्री हरि नारायण के हस्तक्षेप से। देवताओं और देवी लक्ष्मी की गुहार सुन श्री हरि नारायण ने वही अवतार लिया जो भस्मासुर के अंत का भी कारण बना था। प्रभु का मोहिनी अवतार। Ah
आपके मामा श्री हरि नारायण को तो स्त्री रूप धारण करने में क्षणिक संकोच भी नहीं हुआ। किंतु उसमें अनुचित क्या है लंकेश? पुरुष के भीतर उसका स्त्री रूप ही उसकी शक्ति होता है। और सत्य तो ये भी है कि पुरुष रूप में महादेव की शक्ति श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है और स्त्री रूप में माँ पार्वती बनकर। और अब महादेव की ही शक्ति श्री हरि नारायण के माध्यम से एक भिन्न अर्थात मोहनी अवतार के रूप में प्रकट हुई थी। तो माया और मोह का प्रयोग कर असुरों को प्रलोभन देकर उनसे अमृत प्राप्त करने हेतु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी अवतार रचा था। आप इतने शीघ्रता से कहां पढ़ते चले जा रहे हैं? अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य है सुंदरी का। जो देखे कोई तन मन जीवन हरे। वो रहा अमृत कलश, ये हमारा है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इस सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो तो धन्य हो जाऊं मैं। सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना? हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत। और हम देवता इसे लेने आए हैं। अमृत तो मसूरों को प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अमृत हमें सौंप दो। प्रत्येक पुरुष के भीतर एक स्त्री और एक स्त्री के भीतर पुरुष की शक्ति समाहित होती है, इसलिए दोनों को समान ही माना जाना चाहिए।